पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जोन के मुख्य विद्युत इंजीनियर अनिल कुमार शुक्ला ने काठगोदाम लालकुआ रेलखंड के विद्युतीकरण कार्य का इज्जतनगर मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत के साथ बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके पश्चात लालकुआ से काठगोदाम तक रेलखंड का गति परीक्षण किया गया। इस दौरान इज्जतनगर मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत ने निरीक्षण के बाद कहा कि नव विद्युतीकृत रेलखंड का काठगोदाम से लालकुआ तक निरीक्षण किया गया है, जिसके बाद लालकुआ से काठगोदाम तक गति परीक्षण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि स्पीड ट्रायल के दौरान रेल पथ पर ना जाएं। जो निरीक्षण किया जा रहा है विद्युतीकरण का, ये लालकुआ से लेके काठगोदाम तक, हल्द्वानी जो बीच में एक स्टेशन और पड़ता है, और बीच में और भी हमारे जो आइटम्स होते हैं चेक करने के, जैसे लेवल क्रॉसिंग है, कर्व है, ये सब चेक कर रहे हैं। तो निरीक्षण हो चुका है, अब इसके बाद जो है यहाँ से काठगोदाम तक, लालकुआ से काठगोदाम तक स्पीड ट्रायल होगा। उसके बाद जो है वो मुख्य विद्युत प्रमुख, जो मुख्य विद्युत इंजीनियर हैं पूर्वोत्तर रेलवे के, वो आए हुए हैं, उनका निरीक्षण चल रहा है।